हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड योर स्टडी इज़ गोइंग वेल. स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी द न्यू चैप्टर इन आवर पॉलिटिक्स क्लास 10th. ओके, दिस इज अ चैप्टर 7 एंड द चैप्टर नेम इज दैट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. दिस इज योर न्यू चैप्टर. ओके, एंड वेरी सून दिस इज अ लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस. टुडे वी शैल going to do like that. Okay, so very soon we shall complete our syllabus and we shall do the test paper, previous year question papers, and we shall prepare in such way that in the board examination you will get the good marks about. So please student, watch the video and try to understand what I am teaching you that, and very honestly you will also prepare about for the your board examinations. Okay, so let's study about दैट. ये जो है चैप्टर, ये बेसिक है किसके ऊपर? अबाउट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी से हमें क्या है? रिफ्लेक्शन मिलता है. ये जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का जो डेफिनेशन है, इससे हमें क्या, उसका आउटकम्स क्या, रिजल्ट मिलते हैं, किस तरह से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं. समझ में आ रहा है ना? डेमोक्रेसी में ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसका रिफ्लेक्शंस आता है, किस हद तक डेमोक्रेसी सही है, किस हद तक डेमोक्रेसी सही नहीं है, क्या वास्तव में डेमोक्रेसी राइट है, सही है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर्स में. ओके, सो लेट्स स्टडी द नंबर वन टॉपिक दैट हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम्स. किस तरह से हम डेमोक्रेसी को देखते हैं कि वो आउटकम्स हमें दिखाई देता है, ठीक है ना? वी विल थिंक अबाउट, सो लेट स्टडी इन द पॉइंट. बिफोर टीचिंग स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीज इन क्लास 9th डेमोक्रेसी के बारे में. आप लोगों ने इससे पहले डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाई किया था और डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें थी आप लोगों ने देखा था. उससे आगे यह था, हम लोग कोशिश करेंगे सीखने के लिए. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. क्या है पॉइंट? We feel that democracy was better because it, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 9th में, कि जो डेमोक्रेसी है वह अच्छा है. क्यों अच्छा है? क्योंकि देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है. Because promotes equality among citizens. क्या करते हैं? डेमोक्रेसी जो है, जो प्रजातंत्र है, जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर क्या प्रमोट होता है? इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स. जो वहाँ के नागरिक हैं, नागरिक, सभी नागरिक को क्या है? इक्वल है. एक डेमोक्रेसी कंट्री में चाहे वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, सिटीजन्स उसको मानते हैं और उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है? सेम वैल्यू है. ये नहीं कि अपर क्लास लोअर क्लास, ऐसे कोई बात नहीं है. सभी लोग एक समान माने जाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है? सभी के लिए लॉ क्या है? इक्वल है. ओके, सेकेंड पॉइंट, इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स. इन्हेंसेस मीन्स क्या होता है? इम्प्रूव, आगे बढ़ाना. क्या बढ़ाता है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. हर एक व्यक्ति का जो अपना सम्मान होता है, अपना मान होता है, वह एक डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है? बढ़ता रहता है, है ना? ऐसा नहीं कि जो लोअर क्लास का व्यक्ति है वह एकदम, उसकी कोई स्टेटस नहीं है, वह बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता है. क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति का अपना डिग्निटी होती है, अपनी पहचान होती है, और वह क्या होता है, चाहे छोटा क्लास का हो, चाहे बड़ा क्लास का हो, चाहे किसी भी क्लास हो, चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करता है, ऐसा कोई मैटर नहीं करता. वह क्या है, हर एक इंडिविजुअल को क्या मिलती है? डिग्निटी मिलती है, मान सम्मान मिलता है, और वह आगे पोस्ट पर जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? डेमोक्रेसी में इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. माने एक प्रजातंत्र में आप रह रहे हो तो वहाँ पर क्या है, डिसीजन मेकिंग में क्या होते हैं, क्वालिटी होती है, इम्प्रूवमेंट होता रहता है. आपने जो डिसीजंस लिया, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, जो उसमें प्रॉब्लम्स है उसे हम क्या करते हैं, रिफॉर्म कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? यह एक डेमोक्रेसी कंट्री है.
ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आपने जो कह दिया वही सर्वमान्य होता है, उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, कुछ मिस्टेक्स होता है, तो हम उसे रिफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर यह क्या है, इम्प्रूवमेंट की संभावना हमेशा रहती है, कोई फिक्स क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी लॉज, कोई भी डिसीजंस, आप ये सोचिए कि वह लाइफ लॉन्ग स्टेबल रहेगी तो नहीं, क्योंकि लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, समय के हिसाब से क्या होता है वो इसमें चेंजेस होते रहते हैं स्टूडेंट्स। सो यह हमें समझना ज़रूरी है कि एवरी डेमोक्रेसी कंट्री में अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द पीपल्स, बिकॉज पीपल्स इज अ सुप्रीम इन द डेमोक्रेसी, नॉट अ लीडर्स। डेमोक्रेसी कंट्री में स्टूडेंट्स लीडर सर्वमान्य नहीं होते हैं, ही इज नॉट अ सुप्रीम, ही हैज़ अ पावर नो डाउट, ओके, बट हु गिवन द पावर, पीपल्स, सिटीजन्स ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री गिवन द पावर टू द पर्टिकुलर लूटर, पर्टिकुलर लीडर्स और अ गवर्नमेंट, द पीपल्स कैन चेंज द गवर्नमेंट, सो पीपल चूज द गवर्नमेंट फॉर ऑन वेलफेयर नॉट देयर वेलफेयर, ओके, बिकॉज दे गेव द वोट्स टू द पर्टिकुलर गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट विल वर्क ऑन द अकॉर्डिंग्स ऑफ द सिटीजन्स। सो ऑलवेज कीप इन द माइंड दैट इन द डेमोक्रेसी कंट्री द सिटीजन्स इज द सुप्रीम, ओके। सो इसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। यस, डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। पहले क्या था, यदि हम पहले की बात करें पुराने ज़माने में, तो जो वहाँ पे तानाशाही राजा लोग रहते थे, किसी कंट्री की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे जो राजा थे, राजा ने जो कह दिया, जो किंग ने कह दिया, वही सुप्रीम होता था, ठीक है। लेकिन समय के हिसाब से क्या होता गया, परिवर्तन होते गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि करेक्ट मिस्टेक्स मतलब एक रूम होता है, माने एक जगह होती है जहाँ पर यदि आपने कोई मिस्टेक्स कर दिया तो उसमें सुधार किया जा सकता है। कोई डिसीजन आपने लिया पब्लिक के वेलफेयर में, तो उसमें भूल से कोई डिसीजन ले लिया तो उसमें क्या होता है, सुधार होता है, चेंजेस होते हैं। तो ये है डेमोक्रेसी का कुछ फीचर्स जो हमें समझ में आता है कि एक डेमोक्रेसी में क्या क्या संभावनाएँ हमें देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पर देखिए क्या है, बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। यहाँ पर एक टैग लग गया, देखिए क्या टैग है, टैग ये है कि जैसा कि हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी 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 इज़ ए गुड, डेमोक्रेसी इज गुड, डेमोक्रेसी इज गुड, बट यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिकल लाइफ होता है, जब उसमें हम डेमोक्रेसी को तौलेंगे किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में, तो बहुत हीन भावना समझ में आती है कि क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हैं, क्या वास्तव में हम डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, है ना। क्योंकि ये वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत सारे नॉलेज हमें मिलेगा। एक चीज़ मैं वेरी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग बुक को पढ़िए, NCERT की जो बुक है ना, इतनी वैल्यूएबल है, इतनी कीमती चीज़ें हैं कि एक स्टूडेंट के लिए उससे बड़ा कीमत कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट जीवन में उसकी जो NCERT की जो बुक है, यदि उसको वास्तव में पढ़ के कुछ आगे बढ़ना है, समझना है, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर करना है, तो NCERT से बढ़िया कोई बुक हो ही नहीं सकता जो उसके लिए लेवल तैयार करता है आगे प्लेटफॉर्म के लिए। तो इसमें देखिए क्या मेंशन किया हुआ है कि हमें क्या है कि हम जब डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखे रहते हैं, समथिंग लाइक दैट, एक चार्ट ग्रुप में इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी सब कुछ जो होता रहता है हम लोग देखते हैं। लेकिन उस चीज़ को यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जीवन में उतारते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ माने उस लेवल पर जब हम जाकर देखते हैं, वहाँ पर हमारा पाला पड़ता है,
तब हम अपने आप से पूछते हैं, क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हैं? क्या वास्तव में इक्वालिटी है? जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसेस में आप जाते हैं, ठीक है? ये प्रैक्टिकल लाइफ है, इसको यहाँ पर जो है ना प्रैक्टिस यदि हम करें उसको डेमोक्रेसी कंट्री में, तो बहुत यही चैप्टर का यही मेन बेस है कि डेमोक्रेसी में कैसे हम कह सकते हैं कि वी आर इक्वल। जैसे मान लीजिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं, आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा, हमारे गार्जियंस लोग भी रियलाइज़ किए होंगे कि यदि आप कोई काम आपका नहीं बन रहा, कोर्ट कचहरी में आप जाते हैं, ठीक है, या कहीं किसी ऑफिसेज में आप जाते हैं, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसके पास मतलब नॉलेज की कमी है, लेकिन और जिसके पास नॉलेज कमी नहीं है, जिसके पास पैसा कम है, जाता है गवर्नमेंट ऑफिसेज में अपने काम करवाने के लिए, तो आप देखिएगा वहाँ पर क्या होता है। हमें देखने को मिलता है कि जो थोड़ा पैसा वाला होता है वो जाएगा, उसकी काम बहुत जल्द हो जाएगी, और जो जिसके पास पैसे कमी है, जिसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड सही नहीं है, यदि वो जाता है तो वही काम, सेम काम, देखिए दोनों व्यक्ति गए हैं, एक के पास पैसा है, एक के पास पैसा कम है, और उस व्यक्ति के जिसके पास पैसा है वह आराम से बैठा बैठा रहेगा, उसका काम पूरा क्या होगा, हो जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति के पास पैसे कमी है, वह अपने काम खुद करना चाहता है, अपना वह काम खुद करना चाहता है, लेकिन वह क्या होगा, उसके काम में डिले होगा, कभी ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगे तो कभी ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, कभी ये प्रॉब्लम्स होगा, ऐसे करते कभी कभी फॉर्म ही कैंसिल हो जाते हैं, फिर उसको आना पड़ता है। लेकिन एक व्यक्ति क्या होता है, जो एक बार आता है उसका काम ख़त्म, आप साहब घर पे बैठे रहिए, आपका काम ओके। सो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यदि हम इसे देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि क्या ये वास्तव में डेमोक्रेसी कंट्री की बात हो रही है, क्या सच में हम लोग इक्वल हैं, क्या लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन क्या सबके लिए इक्वल हैं, कि जस्ट ओनली सिर्फ किताबी में लिखा हुआ कि नहीं सब हम वी आर द इक्वल्स, लेकिन जब इक्वालिटी की बात आती है प्लेस पर तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो यह क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ पीपल्स के माइंड में आते रहते हैं, क्योंकि जिस कंट्री में हम रहते हैं वह कंट्री एक कौन सी कंट्री है, वह कंट्री जुड़ी हुई है फार्मिंग से, ठीक है, एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते यह क्या है, टेक्नोलॉजी के मायने में क्या है, पीछे है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं टेक्नोलॉजी की कमी के कारण क्या होता है, हम कोई भी चीज़ें बहुत कम जानते हैं, जानते हैं ऐसा बात है नहीं जानते, लेकिन जानते हैं लेकिन कम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो वहाँ पे पीछे हो जाते हैं, बात होती है बुक में लिखा हुआ कि नहीं सभी लोग इक्वालिटी हैं, सभी लोग के लिए लॉज रेगुलेशंस एक बराबर हैं, ठीक है ना। एक गरीब व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है तो उसके लिए ज़बरदस्त क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशन लग जाते हैं, एक अमीर व्यक्ति होता है यदि क्राइम होता है तो क्या होता है, उसको बेल मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं ना डिससिमिलैरिटीज, इसी सिमिलैरिटी को जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसे यूज़ करते हैं, तो हर एक व्यक्ति के माइंड में ये क्वेश्चंस होता है कि क्या वास्तव में डेमोक्रेसी कंट्री में हम लोग रहते हैं, कि जस्ट ओनली नाम मात्रा का ही होता है ये, दिस इज डेमोक्रेसी कंट्री। ओके, सो यहाँ पे देखिए, बट नॉट इन सो मेनी देम वुड बी सेटिस्फाइड, बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं इस चीज़ से विथ दी डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र प्रैक्टिकल लाइफ में लोग सेटिस्फाई नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन। चलिए नेक्स्ट हम इसके ऊपर पढ़ाई करते हैं। यस स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए, ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। आज हम देखें 100 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं
दुनिया में वो क्या कर रहे हैं, आज के डेट में क्लेम कर रहे हैं एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो जो जनतंत्र प्रजातंत्र की राजनीति है उस राजनीति पे क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या वास्तव में कहाँ तक प्रजातंत्र सही है कि नहीं है, क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग, बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको भागों कई भागों में डिविजन्स किया हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ओके, एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो वन एंड टू टाइम्स, यू विल क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट इट अबाउट। एंड इसी का जो पार्ट है, मतलब ये जो टॉपिक है, उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, ओके। सो एंजॉय एंड स्टडी वेल एंड टेक केयर ऑफ योर लाइफ स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।